उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आज समाजवादी युवाजन के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक अनोखा प्रदर्शन करते हुए बाजार में ठेले पर पकौड़े बनाकर बेचे और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान समाजवादी युवाजन के पूर्व जिलाध्यक्ष शमशेर मलिक ने बताया कि कुछ दिन पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बेरोजगार जो पकौड़े बेच रहे हैं उन पर बयान दिया था कि पकौड़े बेचना क्या रोजगार नहीं है। शमशेर मलिक की माने तो शिक्षित युवाओं पर ऐसा बयान देना उनका मजाक उड़ाना है, जिसके खिलाफ आज मुजफ्फरनगर के बाजारों में समाजवादी युवाजन के कार्यकर्ताओं ने पकौड़े बेचकर इसका विरोध किया है और सरकार जल्द से जल्द बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराए, वरना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से संवाददाता दीपक वत्स की रिपोर्ट। आज समाजवादी पार्टी के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पकौड़े बेचकर विरोध जताया, क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने एक बयान दिया था कि जो युवक पकौड़े बेच रहे हैं क्या वो रोजगार नहीं है। हम बताना चाहते हैं कि जो शिक्षित लोग हैं, आपकी सरकार सत्ता में नौकरी देने के और रोजगार देने के वादे पर सत्ता में आई थी, लेकिन आप लोग पूरी तरह से फेल हो गए और आज जब युवा आपसे पूरी तरह नाराज है, आप उनका शिक्षित युवाओं का पकौड़े बेचने को कहकर उनका पूरी तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए आज हमने केंद्र सरकार के विरोध में पकौड़ा बेचकर अपना विरोध जताया है। केंद्र सरकार से मांग करते हैं जल्द से जल्द रोजगार के समाधान पैदा करें, अन्यथा समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर संघर्ष करें।